समझ में आ रहे तो बता दे, वरना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ट्रांजिशनल पैराग्राफ आपके पास क्या होता है कि आपने एसे का इंट्रो दिया, ठीक है, आपने आउटलाइन वगैरह बना लिया, अब आप मेन पैराग्राफ, आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ दिया, और उसके बाद फिर आप जो मैंने सिखाया आपको डेफिनेशन पैरा या हिस्ट्री पैरा पे आप बात कर रहे होते हैं, तो बेटा आप डायरेक्टली इसको नहीं स्टार्ट करोगे। एसे के अंदर कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, आप बताते हो, एग्जामिनर को बताओगे कि भाई नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस, ठीक है, यानी आप अनाउंसमेंट कर रहे हो। आपने अगर कभी स्पीच सुनी हो किसी की, तो स्पीच में वो बोलते हैं ना कि जी हमने अभी फिलहाल फैक्ट्स देख लिए हैं और अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, या हमने कॉजेस देख ली हैं अब हम इसके इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे, राइट। अपने लिसनर को, अपने एग्जामिनर को आप बता रहे हो कि जी मैं अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमने लिख के बताना होता है, और ये कोई इतनी कोई हार्ड चीज नहीं होती ऐसे के अंदर। आप लिखोगे इसके अंदर कि नाउ एज द कंप्लीट आइडिया ऑफ करप्शन हैज बीन डिस्कस्ड, इट इज पर्टिनेंट हेयर टू, फुल स्टॉप डाल दीजिए, इट इज पर्टिनेंट हेयर टू डिस्कस इट्स कॉजेस, ठीक हो गया। दो लाइनें लिख दी आपने। अब इससे हुआ क्या बेटा, कि तुमने डेफिनेशन पैराग्राफ में बताया कि करप्शन है क्या, करप्शन की टाइप्स कितनी है, और आगे अब तुम बता रहे हो कि करप्शन को जिक्र करने के बाद तुम इसकी कॉजेस के बारे में बात कर रहे हो, सही है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि वाटर क्राइसिस सीम्स टू बी एन अनसॉल्वेबल इशू, येट अ लॉट ऑफ मेयर्स कैन बी टेकन टू सॉल्व दिस इशू। अब आप कहोगे सर ये तो हमने उसको आउटलाइन में कहीं बताया ही नहीं कि हम ऐसी भी चीज करेंगे। देखो इंग्लिश में तुम उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर बात की इंट्रो की, फिर मैंने डेफिनेशन पैराग्राफ दिया, और अब मैं एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि देखो मैंने ऊपर बता दिया ना करप्शन क्या है, और अब मैं उसकी कॉजेस डिस्कस करूंगा, और यहाँ से आप शुरू कर दोगे अपना कॉजेस पैरा, ठीक हो गया। फिर वाटर क्राइसिस अगर आता है और आपने वाटर क्राइसिस के इश्यूज बता दिया, आपने बोला वाटर क्राइसिस सीम्स टू बी एन अनसॉल्वेबल इशू, चलो तुमने पहले बता दिया कि यार लगता है ऐसा कि नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे मेयर्स हम ले सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये आपके पास कौन सा पैरा हो जाएगा, रिकमेंडेशन पैरा से पहले आप ये लिख सकते हो। तो इट इज लाइक 2 to 3 lines आप हर जगह जाने से पहले दोगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप बैठे हुए नहीं हो, आपका पेपर गुफ्तगू करता है उससे। समझ में आ रही है आपको? अच्छा, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम इसका भी रट्टा लगा लें, तो भाई देखो रट्टा वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने 2 लाइन आपको समझा दी है, बस ये 2 लाइन आपने यूज करनी है, कॉजेस जाते हुए, इम्प्लीकेशन जाते हुए, रिकमेंडेशन जाते हुए, ठीक हो गया, गुड। तो याद रख लेना कि आज आपको ट्रांजिशनल राइटिंग या ट्रांजिशनल पैराग्राफ मैंने समझा दिया। अब आते हैं जी कि किसी भी सब्जेक्ट में, 12 सब्जेक्ट के अंदर आप जब पैराग्राफ लिखोगे, तो उस इंग्लिश के पैराग्राफ में क्या क्या बातें होनी चाहिए, ठीक हो गया। पैराग्राफ यूजुअली 100 to 150 वर्ड्स के दरमियान भी हो सकता है, 80 से 90 वर्ड्स का भी हो सकता है, तो कोई फिक्स लाइन नहीं होती कि यार हमने इतना ही पैराग्राफ लिखना है। अब एक पैराग्राफ की चीजें सुन लो। नंबर 1, कनेक्टर, थीसिस, एविडेंस 1, एविडेंस 2, कॉन्क्लूजन। अब देखो
बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑर्ग्यू करते हैं कि देखें सर हम ऐसे लिख रहे हैं, हम तो ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, और मैं यही बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा ये जो ऐसे है ना, ये फ्री राइटिंग नहीं है कि आपका बस जो दिल आ रहा है आपने पेन पेपर उठाया और लिखना शुरू कर दिया। नो, हर सब्जेक्ट का जो भी तुम पैराग्राफ लिखोगे उसमें ये पांच बातें लाजमी होनी चाहिए। अब मैं समझाता हूँ मैंने क्या क्या कहा। सबसे पहले कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप चौथे पैराग्राफ में हो तो आप बोलोगे फोर्थली, ठीक है, या मोर ओवर, इन कंट्रास्ट, और न जाने कितने वर्ड्स हैं जो आप एज अ कनेक्टर इस्तेमाल करते हो अपने पैराग्राफ की कनेक्टिविटी शो करने में। जैसे ऊपर आपने कहा कि इलिटरेसी इज अ रूट कॉज ऑफ करप्शन, और नीचे आप आके कहते हो कि कपल्ड विद दिस या मोर ओवर लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या लैक ऑफ वाइब्रेंट मैनेजमेंट। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि मैंने ऊपर वाले को नीचे वाले से कनेक्ट कर दिया, एंड एसे इज ऑल अबाउट कनेक्शन। ठीक है, तो पहले तो याद रखना कि कनेक्टर आएगा। सेकंड है थीसिस। थीसिस क्या होता है? आपको बताया हुआ मैंने क्रक्स पूरा, जो तुम उस पैराग्राफ में बात करोगे वो एक से डेढ़ लाइन में तुम बताओगे कि मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ मोर ओवर इलिटरेसी इज अनदर रूट कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस। चले, अब बेटा ये मेरा थीसिस है। इसका ये मतलब है कि इस पूरे पैराग्राफ में मैं जो बात करूंगा वो किसके बारे में करूंगा? पूरे पैराग्राफ के अंदर मैं बात करूंगा इलिटरेसी और वाटर क्राइसिस को कनेक्ट करते हुए। यहां तक क्लियर हो रही है बात? ओके, अब मैंने थीसिस दे दिया। अब क्या है एविडेंस? एविडेंस इज लाइक यार तुम जो बात बोल रहे हो उसको प्रूफ तो करो, हवा में तीर थोड़ी चलाना है। अब आप यहाँ पे एक एविडेंस दोगे इसी बात का। एविडेंस नंबर वन, जी जहालत और वाटर क्राइसिस का क्या ताल्लुक हो सकता है, मुझे बताओगे? सोचे, उर्दू में बता दो, मैं उसको एविडेंस बना दूं इंग्लिश के अंदर कि जहालत कैसे वाटर क्राइसिस के ऊपर आ रही है। मैं कह सकता हूँ कि इलिटरेट मासेस जो होते हैं, यार स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो देख लेना टाइपिंग में इशू हो जाता है, जो इलिटरेट मासेस होते हैं आर मोर लाइकली टू शो इग्नोरेंट रिस्पॉन्सेस। मतलब के ये अवेयर ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है 2025 में पानी नहीं होगा, ना तालीम इन्होंने हासिल की, ना इन्हें पता है, ये रीड भी नहीं कर सकते। जाहिर है इनको पता ही नहीं है कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा साइन किसके लिए है। तो इस तरह से मैं शायद कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा इसको। इसी तरह ये वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत करेंगे, सही है। अब एविडेंस टू देखते हैं। अब थोड़ा सा कुछ मुल्क वुल्क की मिसाल देते ताकि मेरे एविडेंस में दम आ जाए, यानी मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो अच्छी हो जाए। जैसे मैं कह सकता हूँ जो अफ्रीकन रीजन हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि उधर जो पानी का कहत है ना वो है ही इसी वजह से कि वहां पे इलिटरेसी है, और मेरे लिए इस बात को प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं वहां पे शो करूंगा जी लिटरेसी रेट, लेट सपोज एक एक्स वाई जी रेट हम लेते हैं, इतने परसेंट लिटरेसी रेट है वहां का और वाटर क्राइसिस ज्यादा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ये वाले ममालिक हैं, इनके अंदर लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो यहाँ वाटर क्राइसिस नहीं है, यहाँ के लोगों को तरीका पता है, ये डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं। सिंगापुर हो गया, जापान हो गया,
इसी तरह से यूएसए वगैरह, इधर जो है आपको अवेयरनेस दी जाती है जगह जगह पे, और लोग अवेयर हैं, ठीक है, कि वाटर क्राइसिस आने वाला है, मुझे पानी को सेव करना है, मुझे रिसाइकिल की तरफ जाना है, टैप वाटर को ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करना। ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैं अपने एविडेंसेस कैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ? इसी तरीके से आप पाकिस्तान के, मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, तो हमारा ऑलमोस्ट शायद कोई 27 मिलियन एकड़ फीट या कुछ इससे थोड़ा सा ज्यादा, ये कम है, हम लॉस्ट करते हैं, पानी लॉस हो रहा है ये सालाना की बेसिस पे। क्यों हो रहा है? मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। सिस्टम डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं उनमें शऊर नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक जहालत वाला सिलसिला है लोगों के अंदर, कि जी पानी खोल के जाया कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे थेफ्ट भी आ जाएगा आपका। तो तुमने अपनी बात को इस तरीके से एविडेंसेस के अंदर लेकर जाना है कि अगला बंदा आपसे बिल्कुल मुतासिर हो जाए और कहे हाँ तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। चाहिए? तो तुमने मिनिमम मिनिमम दो एविडेंसेस देने हैं, और एविडेंस तुम्हारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो सकते हैं, जनरल बात भी हो सकती है, और कोई थ्योरी भी हो सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर थ्योरी कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। वॉर्डन्स फाइव रिंग थ्योरी है, ये आप हर जगह अपने पेपर में लगा सकते हो, ये मैं सिखाऊंगा आप लोगों को थ्योरीज लगाना। वॉर्डन की फाइव रिंग थ्योरी है कि एक मुल्क जो है ना वो पांच चीजों से चलता है, जैसे तो पांच रिंग्स बनाई है उसने, कहा पॉपुलेशन, ठीक है, फिर पॉपुलेशन के बाद उसने कहा कि आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ उसने क्या क्या कहा था। फिर गवर्नेंस था, इसी तरीके से मिलिट्री है, ठीक है, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मतलब पांच चीजें उसने बताई कि भाई इससे आपके पास मुल्क चलता है। ठीक हो गया? तो अब आप देखें कि जब वाटर क्राइसिस आएगा तो सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? आपका पॉपुलेशन। तो हर चीज के अंदर एक मुल्क को अच्छा चलाने के लिए आपकी पॉपुलेशन जो है वो ठीक हो, और तब जाके आपका मुल्क अच्छा चलेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो हम इस थ्योरी के बेसिस पे भी प्रूफ करा सकते हैं इसको कि जी देखें इसने भी यही बात बोली थी। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कॉन्क्लूजन, यानी अब तुमने पूरा पैराग्राफ लिख लिया, अब तुम आ रहे हो कॉन्क्लूड करने के लिए, ठीक है, कि अब कॉन्क्लूड में क्या लिखोगे? हेंस, हेंस अबव एग्जाम्पल्स शोज दैट, या शो दैट इलिटरेसी इज द रूट कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस। अच्छा, अगर पाकिस्तान पे आएगा तो मुल्क मेंशन कर देना, वरना ये लो तुमने एक जनरल बात की और ये एक खूबसूरत सा पैराग्राफ आपके पास तैयार हो गया। और जब तुम इसको लिखने बैठोगे तो इसकी लेंथ जो है 80 से लेकर 150 के दरमियान में होगी, और ये पैराग्राफ आपका तैयार हो गया। बताओ, मुझे समझ में आया? ऑलराइट। तो हमने देखा कि एक पैराग्राफ को कैसे किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ, ठीक, ताकि आपका बिल्कुल जहन बिल्कुल ठीक हो जाए इसके हिसाब से कि किस तरीके से हम चला सकते हैं चीजों। अच्छा, मुझे आप लोग दो कोई, अभी जितने बच्चे ऐड हो आप लोग मुझे कोई वो दो आउटलाइन, और मुझे बताओ कि सर आप इसके ऊपर जरा ये अप्लाई करके दिखाएं, या इसके ऊपर आप थीसिस लिखते हैं। मैं तो खैर बहुत दे दूंगा, अब आप दो मुझे। जल्दी से कोई भी।
वाटर क्राइसिस और नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा, आपने कहा कि सर आप जरा कनेक्ट करके बताएं वाटर क्राइसिस को नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा जी, करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है हमारी, वो कभी भी ठीक ही नहीं है। सही, मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि वाटर क्राइसिस हैज एक्सप्लॉइटेड द रिलेशनशिप अमंग द प्रोविंसेस। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हुआ कि वो दिखा रही है कि रिलेशनशिप क्या है प्रोविंसेस के दरमियान। और भी बन सकती है थीसिस स्टेटमेंट, और वाटर क्राइसिस और बेटर रिलेशन अमंग प्रोविंसेस हैज बीन हाईलाइटेड हाईलाइटेड बाय द वाटर क्राइसिस। बात वही आ गई कि जो रिलेशन है हमारे खराब प्रोविंसेस के दरमियान, वो किसकी वजह से और हाईलाइट हो गए? वाटर क्राइसिस की वजह से। अब ये तो मेरा थीसिस है। आप ये भी कर सकते हो कि वाटर क्राइसिस की वजह से सूबे करीब भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक नजरिया है कि ये दूर जा रहे हैं। सही, अब मैं अपनी बात को प्रूफ करूंगा, आप अपनी बात को प्रूफ करेंगे। अब मैं इसके लिए एक एविडेंस दूंगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एविडेंस दूंगा कि जब भी डैम मेकिंग की बात होती है तो देयर इज अ डेड लॉक। डेड लॉक क्या है कि कोई भी डैम बनता है तो केपीके वाले जो हैं वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, बोलने डैम बना दो। लेकिन जब वो नीचे आता है तो पंजाब ऑब्जेक्शन करता है कि यार ये पानी रुकेगा, हमारी फसलें तबाह होंगी। कोई चीज पंजाब में बनती है तो सिंध के ऊपर इशू आएगा। बलूचिस्तान को हम वैसे किसी खाते में नहीं रखते के, क्योंकि उनके अलग ही एक डायनामिक्स उनके चल रही होती हैं। तो और इसके अंदर हम मिसालें देंगे, कौन कौन सी मिसाल है? दियामीर बादशाह डैम था, इस तरह काला बाग डैम, इसके ऊपर बड़ी डिबेट्स हुई है पार्लियामेंट के अंदर, और वो बोले नहीं बनने देंगे। आप देखें वीडियोस पे कि कैसे हमारे मुल्क के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हम बनने ही नहीं देंगे। इस तरह कुछ एक पार्टी है जो कि सरहद साइड पे होती थी हमारी, वो कह रही है कि जी आपको लाशों पे गुजरना पड़ेगा, हम बनने ही नहीं देंगे। और वो कहते हैं अगर बन जाएगा तो सिंध वाले जो ये लोग जिनके पास फसलें जो हैं ये खराब होंगी, लोग मरना शुरू होंगे। ठीक है, तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो नेशनल इंटीग्रेशन खुल के सामने आ गई हमारे पास के है ही नहीं नेशनल इंटीग्रेशन। और दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है? और दूसरा आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो, राइट? कि किसी मुल्क के अंदर, अभी मेरे पास कोई इसका फैक्ट नहीं है, हम ये देख लें भाई किसी कंट्री ने कोई लॉ पास किया हो। सही, या हम ये कह सकते हैं कि जी अफगानिस्तान जो है वो नए डैम्स बना रहा है, इंडिया जो है वो डैम्स के ऊपर काम कर रहा है, और वहां पे शायद इस तरह की हमने कोई न्यूज नहीं सुनी कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल पॉलिसीज अच्छी हैं उनकी। या हम ये कह सकते हैं कि वो एज अ नेशन या एज अ वन यूनिट खड़े हैं। सही है बेटा, आप आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स सब दे सकते हो, या कोटेशन डाल दो बेस्ट है, या बुक रेफरेंस डाल देंगे कोई, ठीक है ना? क्योंकि अभी आपने मुझे डायरेक्टली टॉपिक बोला तो अभी मेरे जहन में नहीं है कि मैं इसमें कौन सी कंट्री का दूंगा, लेकिन मैं ये चीजें करूंगा अगर मैं इस पर लिखूं, लिखने बैठूंगा तो। सही है, और एंड में तुम इसको कॉन्क्लूड करोगे कि जी जैसा कि मैंने कहा और इस तरह से हमारे मुल्क में ये हुआ है मामला। अच्छा, एक मैं आपको ना जो अभी मेरे पास जिसका मैंने रिसेंटली पढ़ा है, जो डेटा मेरे पास मौजूद है, वो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। ठीक हो गया, मैं आपको जरा माइनॉरिटीज वाला भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए कि अगर हमें माइनॉरिटीज कनेक्ट करना होगा। अच्छा, ये ऐसे आया हुआ पेपर में, माइनॉरिटी इज अ फेथ
that nobody wants. बेटा ये समझ तो इस बात को, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताओ अगर ये बात आपको समझ में आती है तो। जल्दी से बताओ फिर, टाइम खत्म हो जाएगा। हमें कोशिश करनी है कि हमने आज पूरा पैराग्राफ लिखना सीख लें। बिल्कुल, कोई भी बंदा जो है वो माइनॉरिटी में रहना ही नहीं चाहता है। सही है, हर शख्स ये चाहता है कि यार मैं मेजॉरिटी के अंदर हूँ, क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ जुल्म ज्यादती की दास्तान है अभी से थोड़ी है। अगर अब देखो इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है, एक पैराग्राफ या कुछ भी है, और मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक जाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का ही चल रहा है हमारे पास, स्टेट्स दैट, अब ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये है क्या, ये है कि जो गवर्नमेंट है ना वो तहफ़ फराम करेगी और वो मेक श्योर करेगी कि रिलीजन जो है इज नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड एंड यूज फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, ये आपके लॉ में है। अब आप लोग इतने बड़े तो हैं कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से लोगों ने रिलीजन को इस्तेमाल किया है फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो कि इसी के ऊपर चल रही हैं, और फिर ये क्या करती है, इनके हाथ में होते हैं मुल्क के हालात, इनके हाथ में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन स्टेट मेंबर्स। ये जब आप IR पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये कौन होते हैं, स्टेट मेंबर्स कौन है, नॉन स्टेट मेंबर्स आपके कौन होते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि जी एविडेंस 1, कोई क्यों नहीं चाहता। सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज जो हैं आर नॉट प्रोवाइडेड। माजरत के साथ हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, यही दो सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्रिश्चियन और हिंदू हमारे मुल्क में ज्यादा है, बाकी भी हैं लेकिन उन वो कह रहे बेचारों की काउंटिंग ही नहीं है उसके अंदर। अब आप मुझे बताइए कि आप सबने ग्रेजुएशन की, आप सबने स्कूल पढ़ा, तो क्या आपके स्कूल में जिस तरह से एक मुस्लिम बच्चे को ट्रीट किया जाता है, क्या वैसे एक हिंदू बच्चे को ट्रीट किया जाता है? अव्वल तो होगा ही नहीं, और अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट थी। सही है, हमेशा ऐसे लोगों के लिए हमने जो है एक टर्म इस्तेमाल करके रखी हुई है, जात होती है ना, जात और बरादरी, उसके अंदर हम इनको कहते हैं लोएस्ट जॉब जो है ना, ये इनके हिस्से में आती है। ये फैक्ट है, सबसे लोएस्ट जॉब्स हम किसको देते हैं, माइनॉरिटीज को देते हैं। हमने इनके ऊपर हर चीज के लिए दरवाजा बंद किया हुआ है, ना इनको पढ़ाई देनी है, इनके पास इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है जिसके अंदर इनको तालीम दें। तो बेटा जब इनके पास तालीम नहीं होगी फिर जॉब्स तो ये छोटी करेंगे, और जब छोटी जॉब्स करेंगे तो इनके फाइनेंशियल कंडीशन क्या होंगी, मतलब खराब ही होंगी फाइनेंशियल कंडीशन। तो जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी तो अल्टीमेटली ये सोशल स्टेटस इनका अच्छा होगा ही नहीं। देखें इस तरीके से कनेक्शन बनाया हमने इसको, ठीक हो गया। फिर एविडेंस 2, एविडेंस 2 कि इनके ऊपर जो मजालिम होते हैं ना, जुल्म, उसके ऊपर हम बात ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ मुसलमान मॉब जस्टिस के ऊपर भरोसा रखते हैं। मतलब के क्या, कि एक बंदे से इन्होंने लेने थे पैसे, ठीक हो गया, काफी दिनों से, या उसको देने थे। अब वो बंदा जो ना ले पा रहे पैसे ना दे पा रहा, उसने बोला यार इसका गेम बजा देते हैं, ठीक है, उसने बोला कुछ करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, 2-3 लोगों को बुला के शोर करके बोलता है इधर आओ, ये नामूस रिसालत कर रहा है, ये कुरान के बारे में ऐसा कह रहा है, ये अल्लाह को नहीं मान रहा, ये नबी के बारे में यूं कर, चलो भाई। अब क्या होता है हमारे यहाँ, और ऐसे लोग जो आपको रोड पे मिलेंगे ना चलते फिरते, वो यूजुअली दुकानदार होते हैं, मजदूर होंगे, कोई कसाई कोई बैठा, जिनके पास दिमाग नहीं है,
वो क्या बोलेंगे, बस हो गया इसको मारो जन्नत हासिल करो। तो अब वो क्या करेंगे, मार धाड़ शुरू करते हैं। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मशल खान केस हुआ था 2000, प्रोबेबली 2017 या 18 के अंदर ये केस है, आप स्टडी कीजिएगा इसको, कि इसको फेक फेसबुक अकाउंट से किसी ने चीज़ें अपलोड की और इसको यूनिवर्सिटी वालों ने मारा पकड़ के और उसको मार दिया। इसी तरीके से श्रीलंकन मैनेजर जो है, ये भी आपने देखा होगा सियालकोट में जो हुआ था, कि जिंदा जला दिया, मतलब जिंदा था या मार के उसको जला दिया। और किस बात पे हुआ था कि जी तुम ये पोस्टर हटा दो, ठीक है ये स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ, यार ये स्टिकर हटा दो, कंपनी में नहीं होना चाहिए। सही किया गलत किया हम नहीं इसके ऊपर, हम एज अ ग्रेजुएट एज अ एजुकेटेड पर्सन हम बात करेंगे। तो यार देखो जिस मुल्क में तुम ये कर रहे हो, अच्छा एक वीडियो और बड़ी वायरल हुई थी हैदराबाद के अंदर ना, तकरीबन कोई 2000-4000 बंदा एक घर के ऊपर जा रहा था उस बंदे को, हिंदू को मारने के लिए, कि जी इसने कुरान के बारे में कुछ कहा है। और फिर पुलिस आई, रेंजर्स आई, आर्मी आई, उन्होंने रोका लोगों को। ये एक जो मॉब है ना हमारे मुल्क में, याद रखिएगा ये फेनेटिक होता है बहुत, बिल्कुल पागल मॉब है। किसी से लड़ाई हुई, कोई कुछ हुआ, एंड ये रेडी होते हैं ये लोग, ये पता नहीं कहाँ से नमूदार हो जाते हैं, बस मार दो मर जाओ इनकी, ये होती है। सही है, कोई कितना बड़ा पेट्रियोटिक क्यों ना हो भाई, आप पेट्रियोटिक हो। अभी अभी चल रहे, अभी अभी रिसेंट की मिसाल लेते हैं, ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है ठीक है, इमरान खान वाला 9th में, अब मैं नहीं कहता मैं सपोर्ट करता हूँ ये क्या सिलसिला है सारा कुछ, 9 मई को हुआ, हुआ क्या, लोगों में गुस्सा था, बाहर निकले लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजों को जलाना वलाना शुरू कर दिया। अब देखें अलग डिबेट है कौन था क्या था किसने क्या, गुस्सा था लोगों के अंदर, ठीक हो गया, लोगों ने गाड़ियां जलाई, इमारतों को आग लगा दी, सब किया। यार आपको गुस्सा था तो आपने अपनी बाइक क्यों नहीं जलाई, ठीक है आपको गुस्सा था आप अपनी गाड़ी निकालते, रोड पे रखते, आग लगा देते इसको, अपना घर जला देते। हम जाके दूसरों की चीजें क्यों जला रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं आप? अब वो भी तो आप ही की तरह बंदा था जिसका आपने टैंकर जलाया, बात समझ रहे हो? ये लोग जो होते हैं ना ये फेनेटिक्स होते हैं, बिल्कुल पागल हो जाता है हमारा मॉब। और जहां रिलीजन आ जाता है तो उसके ऊपर तो फिर आगे हमने कुछ सुनना ही नहीं है ना, कि बस रिलीजन की बात, अब वो सच है वो झूठ है वो क्या है वो हमें नहीं पता। तो इस वजह से माइनॉरिटी कोई होना ही नहीं चाहता। अब आप देखो ना बेटा, सिर्फ पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है, चाइना और इंडिया में देखो क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर जो मोदी की पॉलिसी है वो क्या पॉलिसी है, हिंदुत्व, इतना ज्यादा अगेंस्ट मुस्लिम्स हैं ये कि इन्होंने वहां के जो मशहूर नाम होते हैं ना, जैसे दुकानों के नाम, रोड्स के नाम, वो भी चेंज कर रहे हैं। आप में से किसी को पता है इस बात का, कोई न्यूज देखता हो तो उसको पता होगा फिर ये, ठीक है। और वो कैसे जुल्म ज्यादती कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है ना, उसको उसने बाय लॉ कहा कि भाई यहाँ तो रेलवे बनना है, यहाँ पे हमारे पास कोई और कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, तो लिहाजा हम इन एरियाज को खत्म कर रहे हैं। तो अब आप सोचें कि कोई चाहेगा ऐसा, यार जिसको पता ही नहीं आज मेरा घर तोड़ देंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा, गाय जबा करने पे मुझे मार दिया जाएगा। तो इंडिया में भी माइनॉरिटी का यही हाल है। चाइना की बात करें, चाइना द चैंपियन, अगला वर्ल्ड पावर, सब कुछ, इनका योगायर के एक वो है प्रोवेंस, आपको पता है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मुस्लिम्स को कैंप में रखा हुआ है इन्होंने, ठीक हो गया, मुस्लिम्स वहां कैंप में और माइनॉरिटी मौजूद है और उनपे हर किस्म का जुल्म सितम ये लोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर वो तो पाकिस्तान का दोस्त है, ऐसा है वैसा, वो ये नहीं कर रहा होगा, या हमें ये सब चीजें न्यूज में नहीं पता चल रही, ऐसा है ये चीज आ रही है आपके दिमाग में? मुझे यस या नो तो बता दें इसके अंदर, ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ ये दिखाया जाएगा न्यूज पे कि जी हमारा सीपैक चल रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, दिस एंड दैट सब चल रहा है, बट ऑन द बैक एंड योगायर के प्रोविंस के हालात इतने बुरे हैं कि
कि वहां पे मुस्लिम्स को प्रसिक्यूट किया जा रहा है, इन पे जुल्म और सितम, रीजन असल आप बिल्कुल ये कह रहे हो, लगता तो नहीं कि ऐसा करते होंगे, रीजन क्या है? ये है कम्युनिस्ट, ठीक है भाई। रशिया जब अफगानिस्तान पहुंचा है ना, जगह तो उसको चाहिए थी, जब लड़ाई स्टार्ट हुई 1979 के अंदर, रशिया कम्युनिज्म ला रहा था, दे एबॉलिश रिलीजन, वो कहते हैं रिलीजन कुछ नहीं होता, इस चीज को स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और चाइना भी यही हिसाब किताब चला रहे, तो वो ही कहता है कि नहीं मुस्लिम्स जो हैं कोई रिलीजन नहीं है, तो इस वजह से वो जो माइनॉरिटी है ना उस पे करते हैं जुल्म सितम। ये मैंने जिस किताब से चीजें पढ़ी ना, मैं आपको उसकी पिक्चर और नाम भी बता दूंगा, ताकि आप अपने ऐसे में नाम भी लगा लेना कि ये भी हो गया यार, इस बच्चे ने किताब पढ़ी है, ठीक है। तो ये आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पढ़ने से। तो अब आप देखो, मैंने आपको बता दिया कि तमाम ही दुनिया के अंदर, ये तो फिर भी छोटा छोटा एशिया जिक्र किया मैंने आपसे, कि चाइना ऐसे कर रहा है, इंडिया ऐसे कर रहा है, और यहाँ पे पाकिस्तान में भी इसी तरीके का सिलसिला है। इसी तरीके से आपके पास अक्सर जो वीडियोस वगैरह आ रही होती हैं, आप देखते हो फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, डेनमार्क में क्या क्या चीजें होती हैं, तो अल्टीमेटली ये सब तुम्हारे क्या है बेटा, एविडेंसेस हैं। अब तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, या मैं किससे कहानियां कर रहा हूँ, लेक्चर पूरा कर रहा हूँ, नो, ये मैं तुम्हें सब लिखने का मटेरियल दे रहा हूँ, कि तुम ये अपनी बातें लिखो यहाँ पे, कि माइनॉरिटी ऐसा फेट है जो कोई चाहता ही नहीं है। और अगर आपको कोई शख्स बोलता है जी डेवलप नेशंस में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो भाई ये सब बेकार की बात है, माइनॉरिटी हर जगह प्रोसिक्यूट हो रही है यहाँ पे, सही है। और तुम इसको इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो, इस्लाम से भी कनेक्ट कर सकते हो, इस्लाम की तारीख में भी, ठीक है। जब आपका इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, तो सबसे माइनॉरिटी कौन थे, मुस्लिम्स थे, सबसे ज्यादा तादाद कुफार की थी, ईसाई थे, यहूदी थे, तो वो क्या करते थे, जुल्मो सितम करते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट भी हो रही है, आज भी वही काम हो रहा है। आप क्या समझते हो, आपके मुल्क के अंदर अगर बहुत अच्छी कोई जबरदस्त गवर्नमेंट भी आ जाती है, बहुत बेहतरीन कोई, चलें एक तो हमने पहले सोचा था इमरान खान साहब आएंगे और सब चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। मॉब जस्टिस अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, किस किस ईयर में कितने हुए, मेरे पास तो सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। कोई हुकूमत कोई चीज सही कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा जो मॉब है ना, ये रिलीजन के नाम पे जहालत शो करता है, और ये कुछ पर्टिकुलर लोग हैं बस, ठीक है। एक तो ये चीज है आपके पास, तो आपने अपने एविडेंसेस को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, ये किधर किधर लगा सकते हो? अब मजे की बात, स्टूडेंट कहते हैं सर इतना डेटा याद कैसे रखें, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर। देखो अब ये जो मैंने बातें की, अगर तुम्हारे पास ऐसे आता हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, तो तुम बताओगे कि जी आर्टिकल 25A, जिसमें क्या है कि 5 से लेके 16 साल तक की उम्र बच्चे को आप फ्री तालीम देंगे, क्या हमारे मुल्क में मिलती है? क्या हमें पानी, लाइट, रोजगार, सेफ्टी ये मिलती है? जी नहीं मिलती, आर्टिकल 25 है तो लग ही नहीं रहा। क्या आर्टिकल 7 लग रहा है हमारे मुल्क में? क्या हमारी माइनॉरिटी सेफ है? अरे माइनॉरिटी छोड़ो, हमारी मेजोरिटी सेफ नहीं है। अब आप जिस सूबे में रहे, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कराची, लिटरली लिटरली सेलफोन निकालते आपको डर लग रहा होता है, कौन छीन जाएगा, कौन कब मारे जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, स्टेट हमारा फेल हो चुका है, सही। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है, उधर कुछ आता है तो उधर भी आप यही लिख सकते हो, कश्मीर की परसिक्यूशन डाल सकते हो। इसी तरीके से ये सारी बातें तुम इस्लामियात में करोगे, इस्लामोफोबिया के ऐसे में करोगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको रिलीजियस टच दे दोगे तो तुम इस्लामोफोबिया की तरफ निकल जाओगे। करंट अफेयर में डालो इसको, पाक अफेयर्स में डाल सकते हो इसी चीज को। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ऐसे आ रहा होता है, मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन वगैरह का, तो उसके कुछ नेगेटिव पार्ट में आप ये चीजें डाल सकते हो। कहने का मकसद ये कि एक चीज अच्छी तैयार कर ली आपने माइनॉरिटीज के ऊपर, 2-4 अच्छे पॉइंट्स लिख लिए, पैराग्राफ लिख लिए, नाउ अब वेट करो कि मेरे पास माइनॉरिटी की जहां पे कोई चीज आएगी ना, मैं वहां उसको पुट करा दूंगा। बात समझ में आ रही है? और आखिरी बात ये कि जहां पे माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा होता है ना,
और जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान की बात करें, वो मुल्क पॉलिटिकल इनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज ऐसे मुल्कों के अंदर जहाँ पे कोई एक तबका जो है वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं बलूचिस्तान की मिसाल ले लूँ, तो इसको नेगेटिव पावर जो है ना वो स्ट्रेंथन करती हैं, वो बोलती हैं अच्छा तुम पिस रहे हो, ये लो हम तुम्हें इमदाद दे रहे हैं और तुम अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करो। सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, म्यांमार में भी ऐसा ही है, इवन कश्मीर के अंदर भी कुछ ना कुछ सिलसिलात ऐसे ही चल रहे हैं आपके। तो ये सब बातें आप कनेक्ट करते हैं, ऐसे इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, ठीक है जी। असद ये डेटा याद नहीं रखना, मैंने कौन सा रट्टा लगा के बैठा हूँ यार, मैं ये सारी चीजें याद कुछ नहीं है मुझे, मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, बस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मैं तो बहुत बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। आज हमने पैराग्राफ लिखना सीखा, मैं आपको एग्जाम्पल्स इसकी भेजूंगा इंशाल्लाह ग्रुप के।